मौसम बहार की आमद आमद है और हर गुजरते दिन के साथ ये शहर निखरता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस खूबसूरती को देखने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, बल्कि आप अपने घर से बाहर निकलें तो हर स्ट्रीट और हर रोड आपको ऐसे ही महकती हुई मिलेगी। बैठा हुआ था और नीचे एक लड़का जो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जंगल से गुजर रहा है और झाड़ियाँ तोड़ रहा है और ऊंचा ऊंचा शोर अगर आपको नज़र आ सके तो यस दिस वाइट शर्ट। और मीनवाइल यहाँ पार्क सिक्योरिटी की गाड़ी आई तो मैंने उनको इन्फॉर्म किया और नाउ दे आर आफ्टर हिम। आई होप चीज़ें सेटल डाउन कर लेंगे वो लोग। मेरी लगाई हुई आग पूरी तरह भड़क चुकी है और पुलिस की 6 गाड़ियां और एम्बुलेंस यहां पहुंच चुके हैं और आदमी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। मौसम बाहर हर जानिब अपनी रंगीनियां बिखेरे हुए हैं। हर डाली हर गुंचा खिला हुआ है। हर समत उदकती ये गुलहरियां, चहकती हुई चिड़ियां एक नई जिंदगी की नवीद सुनाती हैं और खुदा की कुदरत का ऐलान करती हैं कि यही वो जात है जो इस झाड़े को फिर से हरा भरा करने में कादिर है। रंग बिरंगे शगुफे, लहलाती हुई शाखें और खुशनुमा फूल तबीयत में एक कैफ बरपा कर देते हैं। लेकिन इस बरस की ये बहार गुज़िश्ता बहारों से यकसर मुख्तलिफ है। ये बहार अपने अंदर गहरी उदासी और डर समोए हुए है। ये रंग बिरंगे खुशनुमा फूल, ये चरिंद परिंद तो गुज़िश्ता बरस जैसे ही हैं, लेकिन इन्हें देखने वाला इंसान कहीं नज़र नहीं आता। वो इंसान जो मरीख से आगे कमंदे डाले हुए था अचानक घरों तक महदूद हो गया है। खाली सड़कें, वीरान पार्क्स और बड़ी बड़ी सुपरमार्केट्स के अशिया से खाली शेल्फ हमारी कुदरत के सामने बेबसी और बेहिसी का सबूत हैं। बहरहाल घर में रहना ही वक्त की ज़रूरत है, इसी तरह आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।